मेरे साथ कुछ अचंभा हुआ है। यहाँ पे पहली बार मैरियट में मुझे कुछ फ्री मिल रहा है। वो कह रहे मैम आपके लिए कुछ ब्राउनी हम गिफ्ट करना चाह रहे हैं आपको। मैंने कहा नहीं ना दो, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नहीं मैम हम आपको देके रहेंगे। मैंने कहा देख दे दो, अब मैं लेने के लिए तो कभी मना नहीं करूंगी। कह रहे ग्लूटेन फ्री ब्राउनी है। अच्छा ये यही खाने के लिए है, इसको पार्सल नहीं दे सकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज़ी ताज़ी सुबह आपको दिखा देता हूँ। रात भर शूट करके सुबह के बज रहे हैं, घड़ी भी पता नहीं कहाँ गई। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं आ गया अपने होटल वापस। आंखों में भरी हुई नींद, भारी भारी पलके, अब जा रहा हूँ सोने के लिए। पूल देख के मन कर रहा है पूल में कूद जाऊँ। अभी सबसे पहले रूम में जा रहा हूँ, नहाऊंगा ठंडे ठंडे पानी से और फिर सब बंद करके सो जाऊंगा। कोको ने मना लिया है चुनचुन को खेलने के लिए, यही है उनका खेल। भाई बहन बचपन में ऐसे ही खेलते हैं। आप देखोगे ना बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आई थिंक अभी बारिश होके रही है। और वो देखो तोते 1 2 3। तो जी मेरे को पता लगा है, जो तोतों का नया खाना मैं लेके आई थी वो तोतों को पसंद नहीं आया है। अमिता बता रही है कि जैसे तैसे इन्होंने खत्म किया है। वो काला वाला दाना था ना अमिता जो मैं लेके आई थी, वो बहुत खुशी से खाते हैं। आज वाला काला वाला दाना लेके आती हूँ। ये देखो गुंडे बच्चे मेरे, ये छोटे छोटे गुंडे बच्चे मेरे, छोटा गुंडागर्दी कर रहा है। बेड पे भी चढ़ गया अमिता, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बेड पे चढ़ गया है, पता चला मूत दिया। आज का वर्कआउट मेरा खत्म हो गया और मैं आपको बता दूं क्या वर्कआउट हुआ है आज, मजा ही आ गया। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। शाबाश संभावना, शाबाश। अविनाश इज गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ मी। ये चेंजिंग रूम है जो आप देख रहे हो, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी बट अंदर ही स्टीम वगैरह सब कुछ है अगर आपको लेना हो तो, लेकिन फिलहाल मुझे लेना नहीं है। ये देखो इनसोल वगैरह पहन के मैं वर्कआउट करती हूँ, इसके बिना तो नहीं चल सकती मैं। बट इसके साथ अब मैं थोड़ा बहुत रनिंग भी करने लग गई हूँ आपको बता दूँ। तो मैं वर्कआउट वाली कभी भी नहीं थी है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये सबको करना चाहिए मैं आपको बता दूँ, ये मेरा शौक नहीं है, ये मेरी हेल्थ है जिसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। बट आई एम फीलिंग सो सो गुड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं यहाँ तक पहुँचने वालों में से नहीं हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज चुके हैं 2:30। सो के उठा हूँ, अपना थोड़ा बहुत काम किया, मेडिटेशन किया है, अब ब्रश किया है, अब बनाने जा रहा हूँ कॉफी। कॉफी बनाने के बाद वर्कआउट करना है, जो कि हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन करना पड़ेगा। वर्कआउट करके फिर नहा के तैयार होके 5:30 बजे फिर से निकलना है, यानी कि 3 घंटे में। आप लोग देखो संभावना क्या कर रही हो कि मेरे को अभी भी थोड़ा थोड़ा नींद का हैंगओवर है, तो मैं भी थोड़ा सा चार्ज अप हो जाऊं फिर आप लोगों से मिलता हूं। तो जी मैं घर वापस आ गई हूं और आज मैंने सोचा है कि पहले मैं चेंज वेंज करूं या कुछ भी अपने कपड़े जिम के चेंज करूं। आज हम लोगों ने सोचा है कि आज हम लोग पूरा रूम दोबारा से ठीक करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी आ रहा है, गणपति का टाइम भी आ रहा है और हम लोगों को ना ये रूम थोड़ा सा सेटल करना बहुत जरूरी है। वो भी अपने आप लूड़ा। ये क्या है, तुम लोगों को सबको क्यों आना इधर? वो देखो उन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली है। अब देखना अब इतनी सारी चीजें निकलेंगी जो मैंने पहनी नहीं होंगी आज तक, बड़ी सारी ऐसी चीज निकलती जाएंगी। ये क्या है अमिता, ये कौन सा बैग है? अच्छा स्टारबक्स वालों से मिला था ये बैग खाली, अच्छा है भाई इसको इस्तेमाल करते हैं। आज बेसिकली आप ये रूम देख लो आज, और इसके बाद अब मैं सेटल होने के बाद ही दिखाऊंगी एक एक करके। लगती हो जरा भाई कहाँ रखू, यहाँ रखती हूँ। अरे देखना बीच में आई, मेरे को गाँव से मिली थी मेरे ससुराल से, ये भी गाँव से आई थी दोस्तों। अरे यार इसमें भी पूरा सामान है, ये देखो चूड़ियां वगैरह सब दी थी उन्होंने मेरे को। एक्चुअली इसको पहनने का मौका भी मिलना चाहिए ना, सुंदर है ना ये देखो। ये ब्लाउज पीस हो, ये ब्लाउज पीस है शायद, लेकिन अब कुछ ना कुछ आएगा ना बीच बीच में, किसी किसी त्योहार में पहन सकती हूँ मैं ये। ये मेरी पिछले गणपति की साड़ी, इतनी सुंदर लगी थी ना पहले दिन, गणपति के पहले दिन पहनी थी मैंने ये। ये देखना कैसे सज के बैठा है, टिट्टी बाबा है तो छोटी बाबा है क्या, मम्मा की साड़ियों में सज के बैठा है क्या।
जी इसी सफाई के बीच आप देख सकते हो दो कुत्ते यहाँ पड़े हैं, तीसरा कुत्ता यहाँ पड़ा है। आपको मैं ना काम के बीच में दिखा देती हूँ कि कोको बैठा कैसे है। लिविला बच्चा पोछा बना हुआ है यहाँ पे एकदम, देखो पोछा बना हुआ है। लिविला बाबा, लिविला बाबा, लिविला गिड्डा, ये बहुत प्यारा लड़का है भाई, ये बहुत प्यारा लड़का है। देखो आज सारी चीजें रख रहे ना हम लोग, कितनी सारी नई नई चीजें आ रही है, सिर्फ कपड़े कपड़े जो मैं देखो जयपुर से भी लाई थी, उदयपुर से एक्चुअली, एक अपने लिए लाई थी, एक अमिता के लिए भी लाई थी। ये देखो इसका काम कितना अच्छा है, ये देखो। ओए ओए यार इसको सिलवाऊं क्या, पूरा गोटा गोटे का काम है इसमें। तो जी हमारा एक सेक्शन ऑलमोस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, जितनी साड़ियां आ सकती थी इसमें आ गई हैं। नीचे भी साड़ियां हैं सारी, इधर भी साड़ियां हैं सारी, और इधर ब्लाउज है और कुछ साड़ियां और हैं। बहुत सारे मेरे व्हाइट कपड़े हैं जो कि मैं एक बार दोबारा धुलने के लिए डालना चाहती हूँ, और अकॉर्डिंगली फिर वो करूंगी आपको दो थोड़ी देर में दोबारा मिल रही हूँ। पहले यहाँ का देख लेते हैं, इधर का खुल गया, कुछ गिरा क्या? ऐसे कैसे हो रहा है, खुल नहीं रहा है, अच्छा बंद नहीं हुआ क्या? यहाँ कुछ अटक रहा है अमिता, ये अंदर का ड्रॉर अटक रहा है कुछ, तो एक बार देखने दे क्या अटक रहा है। जी आप देख सकते हो कि हमारा काम अलग चल रहा है, इनका काम अलग चल रहा है। लिटरली इसके अंदर ही लेटा हुआ था ये, इधर की इसी के अंदर। क्यों रे, क्यों? उसको कोई मतलब नहीं है कि घर में क्या काम हो रहा है, कुछ कर रहे हैं दो लोग मिलके, लड़ाइयाँ बस इनकी अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्या खुशी मिल रही है, क्या हो रहा है तुम्हारा चिंचा? वो देखो कहाँ से आ रहा है, ये देख इधर है चिंचा, वो देख क्या खा रही है, देख छोटी छीन से, छीन इसके ये ब्राइन को यहाँ से, ये खा रहा है क्यों? नहीं वो खा रही है, निकाल लिया मुंह से, गिरा चल दोनों भागो ऐसे, कोको कुछ भी बोलो। हाँ जी आपका जवाब है, क्या कर रही हो आप? हम जहाँ पे थे ना वहीं के वहीं अटके हुए इन दोनों के कारण। वो आई है तीसरी भी यहाँ से जी, आज जितना काम हो सकता था वो हो गया है, अभी भी मतलब सिर्फ इतना समेटा समाटी हुई है, यहाँ पे भी हुई है काफी, लेकिन अभी बहुत कुछ अभी भी रहता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज इधर ही इस काम को छोड़ दें, क्योंकि आज जल्दबाजी में ये काम करने वाला नहीं है, मुझे दो दिन चाहिए कम से कम, क्योंकि छोटी छोटी इधर उधर की चीजें जो भी हैं, अगर मैं किसी को कुछ चीजें गिफ्ट कर सकती हूँ वो भी मैं अलग कर दूंगी, ताकि छोटे छोटे बच्चे नीचे मिलते हैं, कोई मिलता है जिनको जरूरत हो उनको दे दूंगी मैं गिफ्ट। तो आज का काम यहीं पे हम रोक रहे हैं, ठीक है ना अमिता? चल वे पहुंचे बाहर, चल पहुंचे। अब मैं तैयार होंगी, मैं चेंज करूंगी, हो सकता है मेरा फ्रेंड लेने के लिए आए, मुझे पिकअप करने आए, कॉफी पीने जाएंगे थोड़ी देर में, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, थक गई हूं। तो जी कल की तरह दोस्तों नहा धो के रेडी हो गया हूँ, कपड़े पहन लिए हैं, 4:30 बज चुके हैं, कल की तरह अंडा भुर्जी और चाय आ चुकी है, अंडा भुर्जी और चाय पियेंगे और एक घंटे बाद शूटिंग के लिए निकल जाएंगे। कपड़े गंदे हो चुके हैं, लॉन्ड्री अब करवाऊंगा नहीं, अब घर पे जाके लॉन्ड्री होगी, क्योंकि अगर लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दिए तो आएंगे नहीं वापस, दो तीन दिन की बात है, किसी तरह उन्हीं कपड़ों को उल्टा सीधा करके काम चलाएंगे फिर घर को जाएंगे। अभी लग रही है भूख बहुत तेज, जब से उठा हूं तब से कुछ नहीं खाया, मैं खा लूं फिर शूटिंग के लिए निकलते वक्त आप लोग को मिलूंगा, तब तक देख लो मैं छुंछा क्या कर रही हूं, छुंछा को बहुत मिस कर रहा हूं, वीडियो कॉल पे बात की है मैंने उससे और उसने वीडियो कॉल पे पूरा मुझे देखा है, मेरी सारी बात सुनी है और उसे पता है कि पापा बात कर रहे हैं। जी मैं निकल गई हूं कॉफी पीने के लिए, मेरा दोस्त आया है मुझे पिकअप करने के लिए और उसी गाड़ी में निकल जाऊंगी, कहां है लेकिन देख क्यों नहीं रहा है। हां आया आया, आ जाओ आ जाओ। हेलो, हाँ कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। अरे यार घर में हालत खराब हो गई। क्या हो गया? अरे इतना काम था बहुत काम था भाई, एसी कम करो। अच्छा लग रहा है मौसम, अच्छा अच्छी सी कॉफी पियेंगे अच्छा, जाके है ना, अच्छा सा मौसम है, बढ़िया है एकदम। खा पी के सवारी निकल चुकी है दोस्तों शूट के लिए, फिर से एक और नाइट शूट, अब देखो आप लोगों को कब मिलता हूँ शूट पे, शायद मिलो। ये देखो बच्चे नहा रहे हैं। तो जी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, एक्चुअली एक जगह रुके थे हम लोग, यहाँ इधर कैफे पे रुके थे, लेकिन ना यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी और ऐसा लगा कि बात ही नहीं, आवाज ही नहीं आएगी, इतना ज्यादा म्यूजिक था ना, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉफी के मग्स जो थे वो अच्छे थे, कॉफी के कप्स अच्छे लगे मुझे, पर कोई बात नहीं, अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं पास में बे लीफ कैफे, यहाँ भी ये भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन क्या क्या इंसान करे यार, अच्छा लग रहा था यार, अच्छा लग रहा था है ना।
अब चलो यहाँ से। अच्छा ये अब कॉफी ये वाला बोल रहे हैं? अब कॉफी हाँ। बड़ी अब कॉफी या तब कॉफी, ये छोटा सा कॉफी कॉर्नर वो है, ऊपर बैठने की जगह है, ऊपर बैठने की जगह। चलो 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 आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे जाएंगे आगे जाएंगे। इस होटल की कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बहुत यादें हैं और क्या कमाल की यादें हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ, एक बार जरा पहुंच जाऊँ। ये रहा जहाँ तक मुझे याद है इनका रेस्टोरेंट, इधर कतई गोवा का फील है इस समय। भैया कॉफी ले यहाँ पे। अरे क्या है शिवाज रेगल, जॉनी वॉकर, ये सब क्या खोल रहे हो? अल्कोहल में कॉफी मिला के देंगे। दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, ये बार है भाई, मैं कहूँ यहाँ पे ये शिवाज रीगल और ये सब क्यों मिल रहा है। कैफे में जाते हैं अंदर, बड़े आए थे मजे लेने, आया बड़ा। तो जी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कि मेरी चॉइस की कॉफी ना मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको इस होटल का बता दूं कि बड़ी बड़ी फिल्मों के मुहूर्त, बड़े बड़े स्टार्स पहले यहीं से, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, यहीं पे होती थी और यहाँ पर मैं बहुत आती थी। मतलब अगर यहाँ की अगर मुझे कैपेचिनो पीनी है, जो कि उस समय कुछ मेरे ख्याल से 200-250 की होती थी, तो मैं ना कोशिश करती थी कि 15 दिन में एक बार यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे इधर कैपेचिनो पी के जाऊँ। ये मेरा एक ना बड़ी दिल्ली तमन्ना होती थी और मैं अपने आप को रिवॉर्ड कर देती थी जब भी मैं कोई अच्छा काम कंप्लीट कर लेती थी ना, या कहीं मुझे कोई काम मिलता था तो मैं कोशिश करती थी कि यहाँ पे एक कॉफी पी के जाऊँ। और आपको दिखा दूँ कि यही वो जगह है यहाँ, ये जहाँ मैंने पहली बार अमिताभ बच्चन जी को देखा था और मैं पगला गई थी, यही है वो जगह, ये रही। वैनिटी में पहुंच गए और अब हो रही है शूटिंग की पहली कॉफी की तैयारी। याद है कॉफी, ये रहा अपना स्पीकर, गाने सुने जाएंगे, कॉफी पी जाएगी, उसके बाद होगा मेकअप, उसके बाद बाल, उसके बाद उतरेगी रात भर हमारी खाल और आपको मिलूंगा अब मैं सीधा सुबह। व्लॉगिंग मोड ऑफ, एक्टिंग मोड चालू। कॉफी एंड सम पीनट्स। आज दोस्तों मेरे साथ कुछ अचंभा हुआ है, यहाँ पे पहली बार मैरियट में मुझे कुछ फ्री मिल रहा है। वो कह रहे मैम आपके लिए कुछ ब्राउनी हम गिफ्ट करना चाह रहे हैं आपको। मैंने कहा नहीं ना दो, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नहीं मैम हम आपको देके रहेंगे। मैंने कहा देख दे दो, अब मैं लेने के लिए तो कभी मना नहीं करूंगी, आप दे दो। कह रहे ग्लूटेन फ्री ब्राउनी है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूटेन फ्री मतलब ग्लूटेन नहीं है, ग्लूटा नहीं है। मेरे को पता करना है, एक बार आने दो ब्राउनी, फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ ब्राउनी के साथ। अब मैं इसको पार्सल करा लूंगी। अविनाश आधा आधा पार्सल करना है क्या? क्योंकि यार तो तुम्हारा भी योगदान है ना, तुम भी यहाँ पे हो। आधा नहीं होंगे तो मेरी बिचिंग करोगे जाके। संभावना ऐसी निकली, संभावना तो वैसी निकली, संभावना तो ऐसी है। आधी लेनी है तो ले लो। अच्छा ये यही खाने के लिए है, इसको पार्सल नहीं दे सकते मुझे? पार्सल दे दो ना फिर, पार्सल दे दो। अरे मेक वन पार्सल, वन वन इंच है और मेबी मेरे लिए तो हो गया, अभी मैं नहीं खाऊंगी। अरे करा लीजिए अगर मिल रही है, पहली बार दे रहे हैं ये। खाओ भाई खाओ, ग्लूटा फ्री। हो अच्छी है, बढ़िया है। मुझे लगता है ये मैं कॉफी के साथ बाद में अब भी नहीं खाऊंगी। टेस्ट तो कर लो। नहीं अभी नहीं, अभी मैं चलो कह रहे हो तो टेस्ट कर लो थोड़ा सा। ओहो नीचे ही गिर गया। तो जी मैंने मेरे तोतों के लिए खाना भी ले लिया है, ये खाना खत्म हो गया था घर पे और दूसरा वाला उनको पसंद नहीं आया जो मैंने अमेज़न से मंगवाया था, तो मैंने दोबारा से दुकान से खरीदा है। अब खाएंगे मेरे तोते।